रहा। झंडारोहण के बाद जनगणमन हुआ है, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान के बाद बहुत से जो कौमी तराने हैं शहीदों की याद में जो नज़में लिखी गई हैं वो पढ़ी गई, और उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं देश के लिए उनको नमन किया जा रहा है। नहीं, वंदे मातरम नहीं हुआ है। ये वंदे मातरम चूंकि अब एक विवाद है और सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान नहीं किया जा सकता, दोनों का महत्व अलग अलग है। राष्ट्रगान का महत्व सबसे ज़्यादा है और वो सर्वोपर है। झंडे को हम सलामी दे रहे हैं अगर, तो झंडे की सलामी राष्ट्रगान पे ही होती है। उसके बाद हम जो चाहें सारे जहाँ से अच्छा जो अखबार में लिखा है वो हमारे देश की तारीफ के लिए, प्रशंसा के लिए, उससे बढ़िया हमारी निगाह में और कोई नहीं पढ़ता है। इसलिए उसका वैकल्पिक सारे जहाँ से अच्छा हम लोग पढ़ते और पढ़वाते हैं। मतलब कुछ विवाद है और कोई बात नहीं है। तालीमुद्दीन मदरसा तो मनाया जा रहा है पूरे ज़िले में जो है, लेकिन तालीमुद्दीन मदरसा में आए थे हम और यहाँ पे पूरा हाल खचाखच भरा हुआ है। भीड़ देख के आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा कितनी खुशी और हर्ष का माहौल है, और बहुत बेहतरीन माहौल में बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों का संचालित हो रहा है यहाँ पर। उसमें बड़ा आनंद लेने हम भी आ गए, थोड़ा सपोर्ट हुआ है। वंदे मातरम बोला गया, सब कुछ होना चाहिए। जो 15 अगस्त में जो चीज़ें अनिवार्य है वो है।